पाली एसीबी की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए पिंडवाड़ा तहसीलदार कल्पेश जैन के आवास पर छापा मारा। राजस्थान में संभवतः यह पहली कार्रवाई है जिसमें एक घंटे से तहसीलदार आवास के बाहर स्थानीय पुलिस और एसीबी की टीम खड़ी रही, मगर तहसीलदार को एसीबी की कार्रवाई की पहले ही भनक लग गई। भनक लगते ही तहसीलदार ने अपने आवास का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और घर के अंदर छुप गया। उसके बाद में तहसीलदार ने अपने आवास के अंदर ही रिश्वत की राशि को आग लगा दी, जिसमें उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। पुलिस और एसीबी टीम ने जैसे तैसे कर कटर मशीन से दरवाजे को तोड़ा और अंदर पहुंचकर तहसीलदार को हिरासत में लिया। वहीं तहसीलदार के लिए रिश्वत लेने के मामले में पिंडवाड़ा रेवेन्यू इंस्पेक्टर पर्वत सिंह को भी 1,00,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल फॉरेस्ट में आंवले की छाल का ठेका दिलाने के मामले में तहसीलदार कल्पेश जैन ने रिश्वत मांगी थी। फिलहाल एसीबी ने तहसीलदार और आरआई को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि थोड़े दिन पहले भी वकीलों और पटवारियों ने हड़ताल पर उतर कर इसी अधिकारी को एपीओ भी करवाया था। गेट खोलो तो खोलो, वो टूट गए उधर से गेट, अब वो गेट टूट गया, अब क्या फायदा है, अब तो हो गया, आप खुश हो? वो उधर से गए अंदर। अरे गेट खोल दो तेजला साहब, वो आ गए पीछे, बच्चे भी हैं घर में, परिवार है, थोड़ी बहुत आग लगा रहा है। ये बच्चे अंदर परेशान हो रहे हैं, ये मैडम है, मैडम ये बात अच्छी नहीं है इनकी, मैं आपको इसका बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है, ये आप कम से कम आप तो एक लेडीज हो, ये हरकत ठीक नहीं है, आपको समझना चाहिए थोड़ा बहुत। दिन में एक इन्फॉर्मेशन आई थी, मूल सिंह नाम का एक परिवार आया था पाली हमारे एसीबी कार्यालय में, उसने बताया कि मेरा ये जो ठेका है बंद हुआ है उसके तहसील एरिए में, जो ये जो आबादी भूमि रेवनी भूमि के अंदर, जिसके अंदर एक आमली साल नाम का एक पेड़ होता है, उसके पत्तों का ठेका है जो 3 महीने के लिए पहले मेरे को मिला था, और अब चूंकि अब 21 तारीख को उसका ठेका खत्म हो रहा है। जब मैंने ठेका लिया था उस समय मैं ये जो पर्वत सिंह नाम का आ रही था उसकी यहाँ पोस्टिंग थी, उसके मार्फत मैंने 40,000 रुपये दिए, वो 3 महीने हो गए, अब मेरा ठेका पूरा हो गया और अब मुझे 1 अप्रैल से ठेके की ज़रूरत है। ये ठेका मुझे वापस देने के लिए तहसीलदार आरआई पर्वत सिंह के मार्फत पैसे मांग रहा है, उसका सत्यापन करने के लिए मैंने मेरे ऑफिस से सत्यापन के लिए टीम भेजी। टीम भेजने के बाद मैं टीम में उसके जो आरआई है उसके वहाँ रेजिडेंस है वहाँ जहाँ उसका स्वरूपगंज में कार्यालय वहाँ पहुँचने पर उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि आप जाके तहसीलदार साहब से, तो वो आ फरियाद यहाँ तहसीलदार साहब के पास आया, तो तहसीलदार साहब ने से उनसे बात की कि साहब वो पर्वत सिंह जी है वो तो 5,00,000 रुपए की कह रहे हैं और इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं दे रहे, तो उन्होंने तो मुकर गया कि साहब मैं ऐसा पैसे वैसे की कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि आप उनसे मिल देना, तो इस पर वो वापस वहाँ गया सर तहसीलदार साहब ने ये बताया कि आपसे मिलने के, तो ठीक है मैं आज शाम को या कल सुबह तहसीलदार साहब से पर्सनली मिलूँगा और आपके बारे में बात करके आपका मैं आपको बता दूँगा टेक्निकल से। वो रात में आया, सुबह आया, जैसे भी आया वो आया यहाँ पे आके और इनसे बात करके गया, ऐसा हमारे सत्यापन में सामने आया। वापस जाने के बाद उन्होंने दिन में 11 बजे आज टेलीफोन किया था कि साहब वो इतने मांग रहे हैं और आप आ जाओ आगे की बात कर लेंगे।
तो उन पर इन्होंने बात हुई कि साहब इतने तो मैं दे नहीं पाऊंगा, मैं कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है कभी मैं 1,00,000 रुपये भी दे सकता हूँ, बाकी मेरा काम हो तब आप बाकी वाले दे देंगे। 1 अप्रैल के बाद में इनकी कार्रवाई होनी थी, लेकिन इन्होंने एडवांस में कार्रवाई करने के लिए एडवांस में 1,00,000 रुपये आज देने के लिए इनको बुलाया था। हम उनके साथ टीम के साथ हम पाली से फर्स्ट और सेकेंड दोनों टीम साथ में रवाना होकर यहाँ आए। फरियादी है वो उनके जहाँ उनका कार्यालय के पास उनको बुलाया, बुलाने के बाद में अरई ने उनसे जो पैसे थे ले लिए, ले जाने के बाद में फिर उस समय काफ़ी मेरी उनसे बात हो गई है। अब ये करीब 4.25 लाख रुपये से कम नहीं होगा, 4.25 लाख रुपये में मैं करवा दूँगा, पहले मैं पहले भी कराया है और तहसीलदार साहब से मेरी बात हो रही है। फिर उसके बाद में उसने कहा कि भाई तहसीलदार साहब से बात कराओ, तो उसने 2 बार टेलीफोन किया, तहसीलदार साहब ने उठाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई वहाँ और भी हमें है नकदी मिलने की संभावना है, तो हम यहाँ आए तब तक तहसीलदार साहब को शायद कैसे पता चला या नहीं चला, तहसीलदार साहब ने उसे करवा के बंद कर दिया। आधा घंटा हमने प्रयास किया उसको खोदने के लिए, लेकिन वो नहीं खुदा। आखिर में हमने कोशिश की, जो हमें पता चला कांच की खिड़की से, जो किचन की खिड़की थी जिसमें से आग जलने की दिखाई दे रही थी, तो ऐसी परिस्थितियों में आग जलने के कारण हमने मोस्टली दरवाज़ा तोड़ा के और अंदर गए, तो तहसीलदार साहब किचन के अंदर 500 की गड्डियाँ जलाते हुए पाए गए।